हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अभीपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आई ए एस टूडे इज ट्वेंटी एट्थ ऑफ डिसम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी और आज हम देखते हैं कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में कौन सी न्यूज़ आपको पढ़नी चाहिए स्टार्टिंग विद द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू फार्मर्स प्रोटेस्ट सो इट इज़ ऑन गोइंग नथिंग न्यू इन दिस ये आपको रोज पढ़नी है न्यूज़ देन डेली वायरस केसेज बिलो नाइनटीन थाउजेंड आफ्टर सिक्स मंथ्स तो ये भी बहुत ही कंटिन्यूटी में चल रही है न्यूज़ इसमें कुछ खास निकल के नहीं आएगा जस्ट टेल्स अस ये जो ग्राफ है इट शोज दैट हाउ द सेप्टेम्बर मिड वॉज द टाइम और रादर अक्टूबर सेप्टेंबर एंड एंड अक्टूबर स्टार्टिंग वॉज द टाइम वैन द पीक स्टार्टड टू रिड्यूस तो ये दोनों ही न्यूज़ चाहे वो करोना वैक्सीन की हो चाहे वो वायरस केसेज की हो और चाहे वो एग्रीकल्चर वाले बिल्स की हो दिस इज़ अ रादर वेरी रेगुलर न्यूज नाउर इसमें जो भी नई डिवेलपमेंट हो रही है पेज नंबर एट पेज तो एम के नारायणन जी का एक आर्टिकल है नोट्स फ्रॉम ईयर ऑफ अन काफी अच्छा आर्टिकल है एम के नारायणन जो की पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं ये एंड गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल ऑल्सो तो इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है इन्होंने बताया कि एक साल की पूरी आनीज के बाद हाउ 2021 थाउजेंड ट्वेंटी वन इज़ टू बी अप्रोच्ड तो ये काफ़ी अच्छे से इन्होंने बताया काफ़ी ब्रॉड बेस्ड आर्टिकल लिखा है तो आप इसको पढ़ सकते हैं राइटिंग स्टाइल डेवलप करने में इट विल बी अ ग्रेट हेल्प टू यू और जनरल अंडरस्टैंडिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी में इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की एंड हाउ दोज प्रॉब्लम्स कैन बी टैकल्ड गोइंग अ हेड इन द ट्वेंटी ट्वेंटी वन देन यहाँ पर आपकी वैक्सीन से रिलेटेड एडिटोरियल है एसेंशियल ड्राई रन इसमें यह कहा गया है कि वैक्सीन्स को लेकर पूरी दुनिया में जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि एमरजेंसी यूज के लिए वैक्सीन्स को अप्रूव किया जा रहा है बहुत ही तेजी से उसमें एक रिस्क ये रहता है दैट यू डू नॉट नो द लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन और साइड इफेक्ट्स ऑफ दोज वैक्सीन्स और एमरजेंसी यूज़ के लिए उसको अप्रूव किया जा रहा है जल्दी जल्दी तो इसमें ये कहा गया है कि लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग इज़ एसेंशियल कि चलो कोई बात नहीं आप एमरजेंसी अप्रूवल दे रहे हो बट उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है तो वो मैकेनिज्म इंडिया में क्रिएट होना चाहिए और अच्छे से इंप्लीमेंट होना चाहिए क्योंकि अभी कुछ एक दो कुछ महीनों में बेसिकली जो वैक्सीन है वो बहुत बड़े स्केल पर एडमिनिस्टर होनी शुरू हो जाएगी ऑलरेडी सम ऑफ द वैक्सीन हैव बीन अप्रूव थ्रू आउट द वर्ल्ड कुछ कंट्रीज़ ने तो वो लगानी शुरू भी कर दी हैं लाइक यूके तो यही कह रहे हैं कि जो मॉनिटरिंग मैकेज्म है कि उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं उसको मॉनिटर करना वो अभी से रॉबर्स बनाना शुरू किया जाना चाहिए ताकि कोई भी जो इशू आए उसको साथ के साथ ठीक किया जा सके अदरवाइज द यू कैन से द हेल्थ आर्क द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री विल फंबल वेरी बैडली अगर कोई भी इसका साइड इफेक्ट सामने आता है देन द रिजल्ट विल बी वेरी डेवस्टेटिंग बिकॉज ऑफ द ऑलरेडी पोल्ट्री हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया और ऊपर से अगर ऐसा कुछ हो गया देन इट विल बी अ वेरी सिचुएशन देन चाइना के ऊपर आर्टिकल है <coughs> देखिए जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि सुहासिनी हैदर का कोई भी आर्टिकल अगर आता है सुहासिनी हैदर इज अ कॉलोनिस्ट फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस उनका कोई भी आर्टिकल अगर आता है न्यूज़पेपर में तो आप जरूर पढ़िए इट्स वेरी 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 गुड आर्टिकल्स राइट्स उसी तरह से एक हर्ष भी पंथ है

बेसिकली uh, ऐसे एडवर्टाइज़ किया गया था द चाइनाज़ राइज इन द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इज गोइंग टू इट्स गोइंग टू बेक्स सुपरपावर आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स तो इसमें इन्होंने यही किया है कि टू थाउजेंड ट्वेंटी में चाइना में बहुत सारी कमियाँ निकल कर सामने आई हैं so, तो वेरी गुड कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल ऑन चाइना एंड वट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इंडिया तो ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं ज़रूर इसको पढ़िए

वैक्सीनेट करने का प्लान इन कंट्रीज ने बना लिया है तो सारी जगह यही बात चल रही है इसके एथिकल कंसर्न्स क्या हैं इसके कॉस्ट कंपलशन क्या होंगी क्या क्या इसमें डेवलप्ड डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या क्या टसल इसमें सामने आने वाली है हैव्स एंड हैव नॉट्स में क्या फ़र्क होगा वट विल बी द वट शुड बी द प्रोसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन सारी ये बातें सारे एंगल आपको पता होने चाहिए अफकोर्स द साइंस एंड टेक एंगल यू नीड टू नो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज पेपर द इंडियन एक्सप्रेस तो इंडियन एक्सप्रेस में हम सीधा चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टू द एक्सप्ले पेज एक्सप्लेन पेज में एक काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन आर्टिकल है बिवेयर ऑफ द यू के म्यूटेंट तो जो यूके में नया स्ट्रेन कोरोना वायरस का सामने आया है द न्यू म्यूटेशन ऑफ करोना वायरस स्ट्रेन तो ये कहा ये आर्टिकल उस पर इसलिए लगा है दैट वी शुड नॉट टेक इट लाइटली राइट लाइक इग्नोरेंस कैन नॉट बी ब्लिस तो ऐसा नहीं है कि अगर एक दो रिपोर्ट्स आ गई हैं कि जी एग्जिस्टिंग वैक्सीन्स का इस पर कोई खास असर नहीं होगा आई वन टू से कि ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है इस तरह के रिजल्ट को हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए वी शुड बी टोटली रेडी वी शुड नॉट लेट डाउन द गार्ड एज फार एज द न्यू वायरस आर कंसर्न तो ये तो पूरा उसके ऊपर है ऑन द एडिटोरियल पेज दिस फर्स्ट एडिटोरियल ऑन द लेफ्ट साइड ग्रोथ पॉजिटिव इंडियन इकॉनॉमी पर आर्टिकल है इंडियन इकोनॉमी की हर वक्त क्या सिचुएशन चल रही है कुछ फैक्ट्स और फिगर्स आपको पता होने चाहिए इन जनरल इकॉनॉमी पे आर्टिकल है तो यह आपको पढ़ना है सो दैट यू नो वट इज गोइंग ऑन इन इंडियन इकोनॉमी फिर ये यूके ब्रेग्जिट डील के ऊपर है ब्रेग्जिट डील का टेक्सट इशू किया कल यूके uh, ने और यूरोपियन यूनियन ने तो उसके कुछ <coughs> जो इम्प्लीकेशन हैं उसके बारे में है ये तो ये दोनों आर्टिकल्स आपको पढ़ लेने हैं उसके अलावा यू कैन स्किप दिस आर्टिकल्स ऑन दिस पेज ऑल्सो सो यस नथिंग एल्स टू स्टडी हेयर एक ये आर्टिकल है दिस कैन बी हेल्पफुल इन अफगानिस्तान विलेज ऑफ विडोज दोल ये पेज नंबर फोर्टीन पे बॉटम पे आर्टिकल है न्यूज़ आइटम है एक्चुअली कि कैसे अफग़ानिस्तान में जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ओ और पॉपी का प्रोड्यूसर है हाउ सो मेनी पीपल आर डाइंग वट आर द प्रॉब्लम इट इज़ क्रिएटिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया एज वेल जब भी हम इंडिया में ड्रग ट्रेड की बात करते हैं स्पेशली इन द नॉर्दर्न रीजन तो हम बात करते हैं दैट इंडिया इज़ ऑन द रूट ऑफ गोल्डन ट्राइंगल एंड गोल्डन आर्क सो वट इज़ द रोल ऑफ अफगानिस्तान इन दैट गोल्डन आर्क और यहाँ पर सोसाइटी ने ड्रग ट्रेड जो है उसने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं इन जनरल यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग तो इसलिए ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हैं इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा आज के न्यूज़पेपर में नहीं है सो दिस इज़ ऑल यू हैव टू रीड और डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल रोज़ आप इस वीडियो को देखिए एंड आफ्टर वॉचिंग द वीडियो यू आर मोर फोकस्ड अबाउट वट यू नीड टू स्टडी इस वीडियो सीरीज़ का पर्पज़ यही है कि जो न्यूज़ आपको बताई जाती हैं अगर आप उन न्यूज़ को तो आप बेयर मिनिमम है आप वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे बिकॉज दोज न्यूज आर मोस्ट असेंशियल फॉर सिविल सर्विसज प्रेपरेशन ये न्यूज़ इस तरह से हम सिलेक्ट करते हैं विच आइदर डायरेक्टली और सम वट इनडायरेक्टली फिट इन टू योर सिविल सर्विसज सिलेबस नहीं तो न्यूज़पेपर को खोलते ही हमें लगता है कि ये सारी न्यूज़ पढ़ने वाली हैं सारे आर्टिकल्स पढ़ने वाले हैं बट इट इज़ नॉट सो हमें उन आर्टिकल्स को छोड़ना होता है जो एग्ज़ाम के लिए काम नहीं आने वाले अदरवाइज नॉलेज एक्विजिशन इज़ अ नॉन गोइंग प्रोसेस So the purpose of this video series is to tell you how to select the news, and after watching the video, we expect you to read all those news and to inculcate the notes wherever you have prepared them. Or, some news is so important that you are told you that you have to cut it and keep it. So this is very important if you, want to, if you want to do a pinpointed preparation for your exam. Otherwise, there can be a lot many deviations. So eh if you let me know in the comment section, and. If you like the video, please like it, subscribe it, and share, with it, share it with as many people as you can so that we also feel encouraged to continue the course. Thank you and have a nice day.